नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ। योग आयुर्वेद चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह चैनल हमारे हस्बैंड जी का है। आज मैं देव दिवाली के बारे में और कार्तिक पूर्णिमा के बारे में शेयर करने वाली हूँ। देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है, आज मैं इसके बारे में आप सबको बताऊंगी। कार्तिक पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में श्रेष्ठ मानी जाती है। मान्यता यह है कि इस दिन भगवान शिव ने देवलोक पर हाहाकार मचाने वाले त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का संहार किया था। उसके वध की खुशी में देवताओं ने इसी दिन दिवाली मनाई थी। इसी कारण हर साल लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार लिया था। इस दिन गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना पुण्यकारी माना जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि 12 नवंबर 2019, पूर्णिमा की तिथि आरंभ 11 नवंबर 2019 को शाम को 6:02 से, पूर्णिमा तिथि समाप्त 12 नवंबर 2019 को शाम 7:04 तक। दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकच, कमलाच और विद्युनवाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिक ने तारकासुर का वध किया था। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर तीनों बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले, मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें उसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठक सारी पृथ्वी और आकाश में घूम जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण में नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानों ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया, तारकच के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विंदुमाली के लिए लोहे का नगर बनवाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिए। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन तीनों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने थे। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ से चालक घोड़े बने थे। हिमालय से धनुष बने और शेष नाग प्रत्यंचा बने और भगवान शंकर खुद ही बाण बने और बाण की नोक अग्नि देव से बनी। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक ही सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास के पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन त्रिपुरारी पूर्णिमा नाम से भी जाना जाने लगा। एक मान्यता यह है कि देव उठनी एकादशी भगवान विष्णु चतुर्मास की निद्रा से जागते हैं और चतुर्दशी भगवान शिव इस खुशी में सभी देवी देवताओं धरती पर आकर काशी में दीप चलाते हैं। इसलिए वाराणसी में इस दिन विशेष आरती का महा आयोजन किया जाता है, जो कि पूरे देश में बहुत ही प्रसिद्ध है। यह थी हमारी कार्तिक मास के पूर्णिमा और देव दिवाली के पीछे जुड़े हुए कहानी। तो हमारा वीडियो कैसा रहा हमें जरूर बताएं।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिए लाइक और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।